तो सभी को एडवांस में हैप्पी होली। अब ये जो सिलेंडर है ना गुलाल का, ये बहुत महंगा आता बाजार में, लगभग 1800-1500 रुपए के आसपास। तो इतना खर्चा क्यों करना? और आप देख भी रहे हो ये गुलाल का सिलेंडर नहीं है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। इससे हमने गुलाल का सिलेंडर कैसे बनाया ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अब। और इसके ऊपर का ये पाइप निकाल लेना है, तो ये हमें निकाल लेना, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सिलेंडर खाली होने के बाद इसके ऊपर छेद करना है, यहाँ पे इधर की तरफ हम छेद करेंगे और ये कील इसके अंदर चली गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कील चली गई तो अब हमारी ड्रिल बिट आसानी से ले जाएगी। अब ड्रिल से इसको परफेक्ट कर देंगे छेद को। अब यहाँ पे छेद हो गया, अगला काम क्या आता है? अगला काम आता है इसका वॉल बॉडी का। ये बाइक में लगने वाली वॉल बॉडी है जिससे हवा भरती है ना बाइक के टायर में, ये वो है। अब हमें इस हिस्से को अंदर से निकालना, तो यहाँ पे उंगली डाल के इसको निकालना पड़ेगा और ये यहाँ से ये आ गया बाहर। थोड़ी सी ट्रिक लगती है इसमें बट ये आ जाता है बाहर, उंगलियों से थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब आता बाहर। उसके बाद ये रबड़ लगानी है इधर, ये आ गया। उसके ऊपर ये वार्सल जो था, ये नट से इसको कर देंगे टाइट, इसको पूरा टाइट करना है यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे कस दिया। अब इसके बाद ये जो हमने निकाला था ना पाइप, इसका इसको डाल देते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे मीटर भी है, तो जब हम प्रेशर डालेंगे हमें पता चलता रहेगा कितना प्रेशर गया इसके अंदर। देखो अभी जीरो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पंप है, जो रहता है ना हवा भरने का पंप रहता है, इसको मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ इधर इसके नोजल पे। और पंप मारना करते मार भाई पंप। तो जो सुई है वो हल्की सी उठी है, बहुत नाम नाम के ढंग से दिखाई नहीं दे रही, बट हमें पता है यहाँ पे प्रेशर आ गया। और ये देखो जैसे मैं दबा रहा हूँ, ये रहा, तो हल्का प्रेशर था, सुई ज्यादा उठी नहीं थी, तो एक बार में वो लीक हो गया, ये रहा। बट अब हम इसमें गुलाल भर के तब प्रेशर मारेंगे और तब देखते हैं कि ये हमारा पूरा सेटअप काम करता है या नहीं। अब इसमें हम गुलाल भरते हैं और गुलाल हम डालेंगे लगभग 2 किलो के आसपास। तो हमने इसमें 3 किलो गुलाल डाल दिया, अब देखते हैं क्या प्रेशर बनता है। तो इसको मैं पूरे को यहाँ पे सेट कर रहा हूँ और मैं जब इस पाइप को डाल रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे गुलाल अंदर चला गया, तो मुझे इसको टाइट करना है बस। ये हो गया बिल्कुल टाइट। अब इसमें प्रेशर डालते हैं और अब की बार सुई उठने तक हम प्रेशर डालते रहेंगे कि हल्की सी निडल ऊपर आ जाए। ग्रीन सेफ वैल्यू रहती है, ये जो आपको बीच में ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे सेफ रहता है और इधर जाता है तो डेंजर। हम ग्रीन से भी हल्का सा डाउन ही रखेंगे क्योंकि हम खुद कर रहे हैं और हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे बिल्कुल भी, इसलिए ग्रीन से भी डाउन ही रखेंगे। उतना प्रेशर काफी रहेगा इसको चलाने के लिए। और ये देखो इधर दिख रहा होगा, आवाज से पता चल रहा है कि प्रेशर भर रहा है, देखो आ रही है ना आवाज। ऐसे हम छोटे वाला बना सकते हैं, बट छोटे वाले में एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे छेद नहीं करना, छेद यहाँ साइड में करना है, क्योंकि अगर ऊपर करेंगे तो लीकेज होने लगेगी, हमारे साथ हो चुका है, इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो पहले की तरह यहाँ पे भी हमने वॉल्व लगा दिया, थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रहा हूँ ताकि फंसे ना, ज्यादा डाल देते तो फंस जाता है। टेस्टिंग टाइम, अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे पिन मैंने निकाल ली है और सुई हमारी देखो ज्यादा उठी नहीं है, बहुत नाम नाम की है। अभी देख लेते हैं कितना प्रेशर आता है। तो जरा सी भी लीकेज ना बचे इसलिए मैंने यहां पे एमसील लगा दी, पूरा इसको सील कर दिया ताकि लीकेज बिल्कुल बंद हो जाए। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो सभी को एडवांस में हैप्पी होली। बड़े वाला तो एकदम शानदार चला है, अब छोटे वाले को देखते हैं। ये छोटे वाले की भी पिन बाहर आ गई और अब देखते हैं ये क्या धमाल मचाता है यहाँ पे। यार कितना शानदार चला, छोटा होने के बावजूद इतना बढ़िया चला ना कि मजा ही आ गया। बट एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना भाई, बच्चे बिल्कुल भी ट्राई मत करना, अडल्ट सुपरविजन में चीजें करी गई हैं, हमें पता है कैसे काम करते हैं तभी हमने करा है, तो बच्चे बिल्कुल भी इसको ट्राई ना करें। और ये चीज अगर आपको मजेदार लगे, मजा आ गया, तो वीडियो को लाइक कर लो ना, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन आ रहता है, इसे दबा दो, उसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और आप सभी को हैप्पी होली।